नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न। हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न। दोस्तों, आज गुरुवार है और आज है भानु सप्तमी। एक छोटा सा उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ। इस उपाय को करने से घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि होती रहती है और शत्रु हमेशा दबे हुए रहते हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा अपयस मिल रहा है, किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी धंधे में तकलीफें आ रही है, वे लोग आज के दिन ये छोटा सा काम अवश्य ही कर लें। इस उपाय को करने मात्र से तमाम प्रकार की तकलीफें बहुत ही आसानी से दूर हो जाएंगी। दोस्तों, सूर्य देव से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ कोई पुष्प है तो वो है गुड़हल का पुष्प, जिसे जासूद का पुष्प भी बोलते हैं। इसके दोस्तों अलग अलग कलर्स आते हैं। आप देखेंगे जासूद का पुष्प क्रीम कलर का भी आता है, येलो कलर का भी आता है, व्हाइट भी आता है और लाल कलर का भी आता है। सूर्यदेव को और गणपति जी को जो पुष्प अर्पित किए जाते हैं, दुर्गा जी को, ये यदि लाल कलर के हों तो इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। हाँ, मंगल देव को भी दोस्तों लाल कलर के गुड़हल के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तो आज के दिन सूर्य देव को 7 गुड़हल के पुष्प आप अवश्य ही अर्पित करें। जब सूर्य स्नान करने के बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो लाल 7 गुड़हल के फूल आप उन्हें अवश्य ही अर्पित करें। यदि गुड़हल के फूल ना मिले तो गुलाब के फूल भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और आज के दिन दोस्तों, जहां पर भी लाल गुड़हल का पुष्प, गुड़हल के पुष्पों का पौधा लगा हुआ हो, वहां आप जाएं और 7 बाती का घी का एक दीपक इस पौधे के नीचे लगा दें और आज के दिन इस पौधे को आप ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित कर दें और 7 फेरी आप इस पौधे की लगा लें। समझिए, जन्मों जन्म की गरीबी दूर होगी, तमाम प्रकार की आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आज के दिन सूर्य देव की शक्ति करोड़ों गुना ज्यादा पावरफुल होती है। जो लोग सूर्य को मजबूत बनाना चाहते हैं, वो तमाम लोग इस उपाय को जरूर करें। जिन लोगों का मूलांक 1 का है वे तो बिना भूले करें, जिनके सूर्य स्वग्रही है या उच्च के हैं वे लोग भी अवश्य ही करें, और कमजोर सूर्य वालों को तो करना ही करना है। मतलब कि A to Z लोग आज के दिन सूर्य पूजा करना बिल्कुल भी ना भूले, और एक छोटा सा उपाय है, आज के दिन इसे अवश्य ही कर लें। जिंदगी में बहुत जबरदस्त परिवर्तन देखने के लिए मिल जाएगा। उपाय को करते रहें, खुश रहें। कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें अवश्य। जय श्री कृष्ण।